हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैक्रोविज। आज हम आपके लिए लाए हैं, आज हमने आपके लिए स्टार्ट की है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसके अंदर के आपको हम डेली के करंट अफेयर्स करवाएंगे और एक नई अप्रोच के थ्रू करवाएंगे, ताकि आपको वो मैक्सिमम टाइम तक आपके दिमाग में सेटल हो सके। इसके लिए हमने एक नई अप्रोच अपनाई है, जिसके अंदर कि हम आपको एक पिक दिखाएंगे उस करंट अफेयर से रिलेटेड, ताकि जब भी आपको वो पिक दिखे या करंट अफेयर्स किसी एग्ज़ाम है तो वो जल्दी से आपके माइंड में स्ट्राइक कर सके। हमारी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट की होंगी पर डे के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो करंट अफेयर है उसके अंदर है कि जो हमारी GST की एक रिपोर्ट आई है कि हमारी GST है उसके अंदर कंटिन्यूस डिक्लाइन होता जा रहा है, और उसकी एक कारण है ITC, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले तो GST होता है, GST की शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि काफ़ी सारे टैक्सेस को मिला के सिर्फ एक टैक्सेस बनाया गया है, क्योंकि पहले हमारे टैक्सेस के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कोई आपने सामान बनाया उसके ऊपर टैक्स लगा, फिर आपने उसको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बेचा तो उसने जो पीछे टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर को उसके ऊपर टैक्स लगा, तो कस्टमर को जो बेचा उसने तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा, तो यानी कि उसके अंदर पैसा नहीं मिलता था वापस में, तो इसलिए वो टैक्स की जो अमाउंट होती थी वो बढ़ती रहती थी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि आप पिक के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने कोई मैन्युफैक्चर किया है किसी चीज़ को, जैसे कि तो हमने कुछ इनपुट लिए हैं, दो या तीन इनपुट लिए हैं जैसे कि इस केस के अंदर, तो पहले के ऊपर हमने टैक्स दिया है 100 रुपये का, दूसरे के ऊपर दिया 120 का और तीसरे के ऊपर दिया है 180 का। तो अब हमने इनको मिला के एक आउटपुट तैयार करी है, एक प्रोडक्ट बनाया है इन तीनों को, ABC को मिला के, जो कि हमारे अब इन तीनों के ऊपर टोटल टैक्स हमारा हुआ 300 रुपये का, और हमने अब एक जो प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर हमारा टैक्स लगा 450 रुपये का। तो अब जब हमें इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में उतारा है तो हमें इसके ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, यानी कि जो हम पहले टैक्स दे चुके हैं 300 रुपये, अब अगर पहले का सीन होता, पहले कैसे होता था कि 300 रुपये ये स्टार्टिंग में हमारे लगे और उसके बाद 450 रुपये आगे लगे, तो टोटल टैक्स हो गया 750 रुपये का। लेकिन अब क्या होता है कि 300 रुपये आपके पहले दे चुके हैं और आपका 450 का बाद में टैक्स बनता है, तो आपको सिर्फ आगे 150 रुपये और देने पड़ेंगे टैक्स के। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपके जो पहले टैक्स लगे हैं वो आपको वापस मिल जाएगा। अब इसके डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है कि बहुत से लोग फेक इनवॉइसेस जनरेट कर लेते हैं, यानी कि फेक बिल्स जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैचिंग नहीं हो पाती है कि पहले किसने कितना इनपुट के टाइम पे दिया था और कितना आउटपुट के टाइम पे टैक्स दिया है। तो लोग फेक इनवॉइस बना लेते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको एक डेमो के टाइम पे नाम है ट्रेन 18, और ये हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये एक इंजन लेस ट्रेन है और इसका जो अभी ट्रायल हुआ है दिल्ली टू वाराणसी के लिए, 100% मेड इन इंडिया है, और जो रेल यात्रा है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ्रेट जो है भारत का वो ट्रेनों के थ्रू जाता है, और जो भारत के बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलों के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलों से आज़ादी होगी। उसके बाद है हमारा दमन इनिशिएटिव, ये स्पेशल मलेरिया के लिए भारत सरकार का एक नया इनिशिएटिव है, ताकि 2030 तक भारत के जितने भी मलेरिया के केसेस हैं उसको ख़त्म किया जा सके, यानी कि मलेरिया को जैसे हमने पोलियो के लिए एक इनिशिएटिव लिया है और पोलियो लगभग भारत से पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, उसी तरह 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने के दमन इनिशिएटिव को चलाया गया है। और MSME की अभी इंडिया के अंदर रिपोर्ट आई है, तो वो सबसे पहले देख लेते कि MSME एक
फुल फॉर्म बहुत एग्जाम्स में पूछ जाती है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, जो कि अभी हमारी कैबिनेट ने बनाई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। माइक्रो एंटरप्राइजेज उनको बोला जाएगा जिनका टर्नओवर पूरे साल का 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम। तो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर वो आएगी जिनका टर्नओवर 5 to 75 करोड़ है, और मीडियम एंटरप्राइजेज आएंगी जिनका टर्नओवर साल का 75+ करोड़ के अंदर चले जाते हैं, वो मीडियम एंटरप्राइजेज होती है। मैं आपको ये जो हमारी पीपीटीज हैं, जो ये मटेरियल हमने तैयार किया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा देखने ना पड़े। बाकी जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो तो आपको बोलते हैं कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको बिल्कुल वेट नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद है हमारा मैकनो, जो हमारा अटल सेतु है, वो हमारा मांडवी नदी के ऊपर गोवा के अंदर बनाया गया है। ये पूरा केबल से बना, केबल ब्रिज जो होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर केबल का पूरा पूरा प्रयोग किया जाता है इस ब्रिजेस, केबल ब्रिजेस को बनाने के लिए। ये 5.1 किलोमीटर है, मांडवी नदी के ऊपर बनाया गया है। मांडवी या महादायी नदी भी बोलते हैं इसको। ये नॉर्थ कर्नाटका की हार्ट लाइन है, और इसको बनाया गया इसमें गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। तो आज के लिए इतना ही, और कृपया हमारे नए करंट अफेयर्स को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भी मित्रों को बताएं, ताकि वो भी हमारे करंट अफेयर्स का फायदा उठा सके। धन्यवाद।